और भी पेंसिल चाहिए अपन को, और भी पेंसिल से स्टार्ट कर रहे, आईज वाले एरिया पे करते। अब आईज वाले एरिया पे देखो, जैसे ये नीचे का एरिया स्मूथली करना है अपन को, ओके। फोर बी से जो अपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भर भर के बहुत जल्दी जल्दी करना, नहीं, अब थोड़ा पेशेंस के साथ करना। ये ऊपर का जो एरिया है जैसे डार्क है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक फोर बी करके छोड़ दिया, यहाँ से फोर बी करना स्टार्ट किया, फोर बी लाइट होते गए और लाइट हुए, और यहाँ पे आके ऐसे मिक्स। मुझे डेप्थ देनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से डेप्थ दे के बस छोड़ के चले गए, मुझे पेंसिल से जितनी ब्लेंडिंग कर सकता हूँ मैं शेडिंग करते हुए वो करूँगा। तो यहाँ से भी सेम चीज, यहाँ पे मैंने डेप्थ दी, धीरे धीरे आते गए, ये हो गया। आइस के नीचे भी है, यहाँ पे भी डेप्थ दी, यहाँ पे भी, ओके। इस तरीके से सेम यहाँ पे करेंगे आइस पे, लेकिन अब आइस पे पहले मैं क्यों कर रहा, ताकि ये थोड़े जरूरी एरिया है, डिटेलिंग के साथ करनी है शेडिंग। तो ये जो कर्व शेप आ रहा है देखना, यहाँ से तो हल्का सा थोड़े प्रेशर के साथ बनाना है इसको, ताकि ये ब्लेंडिंग के बाद भी दिखे कि कर्व है, ये ड्रॉ नहीं करना, ये शेड ही करना। ऐसे किया, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, इसको थोड़ा आगे तक फैलाए, ऐसे धीरे डार्क करते हुए कर रहा हूँ ये सब। ये ऊपर का आईज वाला पोर्शन आते हैं, ये बीच में खाली है, इतना अपन को दिख रहा है, तो अपन साइड साइड से शेड करना स्टार्ट करें। ये अच्छा खासा डार्क एरिया है, आराम आराम से करना। ये आईज के सामने जो अपना कर्व शेप है, ये इसे भी थोड़ा शेड कर दो अच्छे तरीके से, ओके। ये किया, नीचे वाला जो एरिया है इसे शेड किया, बीच बीच में अपन को लाइट छोड़ना है, तो पीछे की तरफ है, यहां से शेड करना स्टार्ट किया। बीच की तरफ गए, लाइट होते गए, अब ऐसा नहीं एक छोटा सा एरिया छोड़ देना, थोड़ा ज्यादा सा छोड़ना है अपन, ओके। थोड़ा ज्यादा सा छोड़ना, क्योंकि वो ब्लेंडिंग करते समय गायब हो जाएगा बनना। नोज वाले पोर्शन पे आते हैं, तो नोज वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करो। फोरहेड जो है, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है अपन को एक शेडेड, तो वही चीज करनी है अपन को, ऐसे शेड करते करते थोड़े आगे लाए, बहुत आगे नहीं लाना है, बस इतना लाना है कि ये बॉर्डर पे आ जाए। हल्का हल्का ही बाहर की तरफ लाएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा बाहर नहीं लाएंगे, सर्कुलर में चला इसे। ये नीचे की तरफ आते, तो ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ना, आप कैसे करो, इसे नीचे से स्टार्ट किया, तो मैं डार्क किया, ऊपर आए थोड़ा सा लाइट हुआ, ऊपर आए थोड़ा और लाइट हुआ, ठीक है। यही प्रोसेस अपन को रिपीट करनी है पूरे में। जो नॉस्ट्रल्स है ये वाला एरिया, इसे आप थोड़ा सा फिल करो, ठीक है, पूरा ऐसे नहीं भर देना है, लेकिन फिल करो, ओके। अपन को अभी भी पता है कि आउटलाइन ये आ रही है, लेकिन नॉस्टल नीचे वाला पोर्शन, अब ये जो शेडो दिख रही है यहाँ पर अपन को, ये वाला पोर्शन, इसे भी शेड करो अभी 4B से, कि ये भी जरूरी पोर्शन है, डेप्थ है वो पूरी, उसे ऐसे खाली छोड़ नहीं सकते, अच्छे तरीके से बीच में पूरा फिल होना चाहिए, क्योंकि ये शेडो आ रही है और वो बहुत नेसेसरी है, तो ऐसी खाली छोड़ दोगे उसको, तो फेस का एक जो डेप्थ एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा, तो वो अजीब लगेगा। ये लेफ्ट वाला हिस्सा पूरा ऐसे शेड किया अपन, राइट पे आते गए धीरे धीरे ऐसे लेयर बाय लेयर। अब ये जो कर्व है अपना, ये जो ओवल शेप आ रहा है, इसके अराउंड करेंगे अपन थोड़ा लाइट, ठीक है, बहुत डार्क नहीं, थोड़ा सा लाइट, और इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। नीचे डेप्थ भी आ गई अपनी यहाँ पे, और ये अपन ने मिक्स भी कर दिया। अब बस क्या करना है, बाकी की जो नॉस्ट्रल है उसे हल्के से फिल करो। ये वाले एरिया में डेप्थ है, ये ट्राइंगल सा एरिया बन रहा है यहाँ पे, तो वही सेम चीज अपन यहाँ पे शेड करेंगे। ऐसे क्योंकि डेप्थ दे रहा है अपन, देख सकते हो डिफरेंस कितना आ गया है, अपन को वही डिफरेंस चाहिए। आइस के नीचे आते हैं थोड़ा, तो आइस के नीचे जो थोड़ी डिटेलिंग और
जो रिंकल्स जो रहते हैं वो अभी नहीं बना रहे, वो एंड में डिटेलिंग और उस पर बना देंगे अपन। ये हुआ, हल्का हल्का सा नोज की जो आउटलाइनिंग इरेज हो जाती है थोड़ी सी बना दो, और ये नोज वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो कर रहे हो नोज को, जो हाईलाइट छोड़ रहे हो, वो ऐसे मत करना कि एकदम से छोड़ दिया, हल्का हल्का, तभी मैंने ज्यादा सा छुड़वाया था, हल्का हल्का अंदर की तरफ थोड़ा सा शेड करोगे अगर, या आईब्रो से आईब्रो कनेक्ट करो हल्की शेड करते हुए, थोड़ा थोड़ा नीचे लाए, यहाँ पे करा शेड, तो वो एकदम से लाइन ना बन जाए। अभी ब्लेंड करोगे थोड़ा और कम होगा, 6B के बाद ब्लेंड करोगे थोड़ा और कम होगा, अपन को टेक्निकली पूरा भरना ही है, लेकिन अगर पहली HB कर देते तो वो उतना मजा नहीं आएगा है। तो अभी इतना करो पहले। चीक्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैंने एक कर्व बनवाया था, इसके इसके और मूछों के बीच में जो है हाइलाइट्स, तो इसके ऊपर ऊपर से शेड करो। अब शेडिंग देखो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया फिल करना है, बहुत स्मूथली करना है, क्योंकि थर्ड लेयर में बहुत स्मूथली चाहता हूँ, ताकि जो शाइन दिख रहा है ना अपन को, और उसके आसपास जो स्मूथ स्किन दिख रही है, वो एक अच्छा इफेक्ट आए, क्योंकि अब मैं डेप्थ लेयर में हूँ, तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये धीरे धीरे मैंने ऊपर कनेक्ट किया, सेम चीज यहां से करते हुए लाया, मैं इधर कनेक्ट किया, हो गया कनेक्ट, मेरी डेप्थ आ गई, लेकिन ऐसे तो छोड़ नहीं सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाहर जैसे एक हल्की हल्की लाइट लेयर दूंगा, सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा, एक हल्की हल्की लाइट सी लेयर दूंगा, और भी सही कर रहा हूँ, लेकिन लाइट लेयर दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेयर रहेगी, ठीक है, मिड टोन्स रहेंगे, फिर इसके बाद ऊपर हल्की हल्की लाइट लेयर आ जाएगी, उससे क्या होगा, एकदम डार्क से लाइट नहीं आया, धीरे धीरे डार्क से लाइट आया, फिर आउटलाइन जो आ रही है इसकी बॉर्डर पे करेंगे बहुत लाइटली लाइटली, ठीक है, यहां यहां हल्का हल्का करेंगे अपन बस, ताकि ब्लेंड होने में आसानी रहे। फिर जो नोज और ये अपने हैं चीक्स, इनके बीच में जो कर्व आ रहा, यहाँ ऊपर ऊपर हल्के हल्के से करो, ओके, जैसे पिछले लेयर में नीचे आते आते लाइट हो गया, ऊपर हल्के हल्के से, इस तरीके से लेफ्ट वाला पोर्शन अपना हो जाता है। ठीक है, तो इतना करो, अपन ने यहां तक छोड़ा था, इसे ये वाला जो पोर्शन आता है इसे भी हल्का हल्का और भी से शेड किया ऊपर ऊपर हल्का हल्का, और नीचे आते आते लाइट हो गया बस, और कुछ नहीं। ये देखो, ये पर्टिकुलरली ये एरिया, ठीक है, जो अपन ने कर्व बनाया उसके ऊपर, ये डेप्थ है बहुत ज्यादा, क्या करेंगे, थोड़े ज्यादा प्रेशर के साथ, थोड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, और भी से पहले ये एरिया, यहां से नीचे से मोटे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जाते जाते पतला होता जा रहा है, तो वही चीज करेंगे ऐसे, ओके, ये आया। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको, तो अपन थोड़ी और डेप्थ देनी है इसमें, आसपास भी देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरे एरिया में डेप्थ है, इस एरिया में डेप्थ है, जैसे अपन यहाँ करते हुए लाए थे, इतना डार्क नहीं करना जितना ये था, इससे थोड़ा लाइट रखना है, थोड़ा, बहुत लाइट भी नहीं, और इस तरीके से स्मूथली स्मूथली शेड करते जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, थोड़ा लाइट करना है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा लाइट करते लाओ, जो अपनी मिड टोन्स रहती है ना 4B की, उस शेड में बहुत लाइटली, फिर आईज के नीचे वाले पोर्शन को करो, ये ऊपर वाले पोर्शन को फिल करो, देखो पेंसिल को थोड़ा पॉइंटेड करो, ताकि इस तरीके से धीरे धीरे होता जाए, ठीक है। ये पीछे का एरिया जो मैंने मार्क करवाया था इस लाइन से, ये तो पूरे ही डार्क रहेगा यहाँ, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का सा। अब ये पता है कि अपन को इसे थोड़ा कम करना है,
बहुत लाइटली लाइटली 4B की पतली सी लेयर इसके आसपास चढ़ा दो ताकि ब्लेंडिंग में भी आसानी रहे। आईज के नीचे नीचे भी अपन हल्का हल्का शेड करेंगे। तो इतने में अपना जो चीक्स वाला पोर्शन है वो हो जाता है। ये हुआ, ये अपन ने हल्का सा मार्क लगाया। क्या है ये एरिया जो नीचे का है लिप्स के नीचे वाला, इसमें बहुत ज्यादा शेड नहीं करना, जो अपने ग्रिफ जो ब्रश पे अटक आ जाएगा उसी से कर देंगे। यहाँ पीछे अब लाइट करो, जैसे ये डार्क था अपना, ये डार्क कहलाएगा ऑब्वियसली, ये दिख रहा है अपन को कितना जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ऐसे डार्क, उसके नीचे थोड़ा लाइट करो, ठीक है, उसके नीचे लाइट करो ऐसे। अब बोलोगे दाढ़ी वाले पोर्शन में आ रहा है, आने दो, ठीक है। यहाँ बस हल्का सा अपन को इसे कर्व बना के रखना, यहाँ हल्का हल्का सा शेड किया और यहाँ किया, कुछ भी ऐसे मत करना कि एकदम से छोड़ दिया उसे, इंटरमीडिएट या फिर जो तुम्हारा मिड टोन्स रहता है उससे ज्वाइन करो बाकी सबसे। तो ये भी आ रहा है जो, इसे हल्का हल्का ऐसे नीचे, ये कर्व में जा रहा है पूरा पीछे, तो अपन यहाँ यहाँ आराम आराम से थोड़ा सा और शेड कर दो 4B से, ताकि जो कर्व है वो मिल जाए। ये बीच वाला पोर्शन अभी छोड़ दो, तो अपना फेस का पोर्शन हो जाता है, फोरहेड बचता है। तो पहले इतना कर लो, यहां से उठते हैं बॉर्डर से, ठीक है, ऊपर ऊपर आए, यहाँ आईब्रोज के ऊपर बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, ठीक है। और सर पे जो हल्की हल्की टेंशन लाइंस जो आती है ना सर पे, इस शेड करके बनाइए, मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, शेड किया मैं एक एरिया बहुत लाइटली लाइटली ऐसे बीच में, ये जो यू शेप दिख रहा है मुझे, मैं इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ, वो क्या है पे, ये हाइलाइटेड पोर्शन है, ये थोड़ा छोड़ना है मुझे, मैंने बहुत लाइटली 4B का यूज करके इसे शेड कर लिया। तो यहाँ पे डार्क है, बीच में आते आते लाइट होगा तो वो इसमें ब्लेंड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट किया अपन ने, ये थोड़ा डेप्थ में रहेगा अच्छे खासी, जैसे आईब्रो क्रॉस करे अपन ने ये वाली, अब थोड़ा लाइट होने लगा, थोड़ा और लाइट हुआ, और लाइट होके इससे इतना लाइट हो गया ये पोर्शन देखो। तो क्या करना, ये जो एकदम लाइन अपन ने छोड़ दी ना बीच में थोड़ा लाइट सा, वैसा नहीं करना, नीचे से बहुत हल्के तरीके से शेड करो और ऊपर से हल्के तरीके से बीच में थोड़ा सा, ताकि ब्लेंड करते समय अपन के पास एकदम ऐसा ना हो कि एक लाइन सी बन जाए, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से थोड़ा जैसे ये डेप्थ थी यहीं से उतनी डेप्थ से स्टार्ट किया अपन ने, और अब धीरे धीरे लाइट होता गया, यहाँ पे जल्दी जल्दी लाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन को ये मैच करना है, ओके। तो ये लाइट हुआ, और लाइट हुआ, और लाइट हो गया, ऊपर ऊपर भी थोड़ा सा शेड होगा हल्का सा, बस इस तरीके से किया। यहाँ पे पतला रहेगा ये जो डिस्टेंस अपन छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे ये गैप हाईलाइट, ये थोड़ा पतला रहेगा, तो वही चीज हुई। और ये अपना जो थर्ड लेयर रहती है वो पूरी शेड हो गई है, ठीक है। तो अभी इतना करो, अपन ब्लेंड फिर बाद में करते हैं।